खरगोन शहर में बीती रात मुस्लिम समाज के पाक स्थल सऊदी अरब उमराह के लिए जायरीनों का जत्था रवाना हुआ। 90 सदस्य यह जत्था 40 दिन मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। इन्हें रवानगी देने के लिए मुस्लिम बस्तियों में उत्सवी माहौल रहा। रिश्तेदारों, परिजनों एवं दोस्तों ने पुष्प मालाएं पहनाकर सुरक्षित सफल एवं इबादत की कामना कर विदा किया। जत्था वाहनों के जरिए मुंबई पहुंचेगा, जहां से हवाई जहाज से सऊदी अरब पहुंचेंगे। समाजजनों ने बताया, इस्लाम के अनुसार उमराह का मतलब मक्का में हरम शरीफ की जियारत करने से है, जिसे वर्ष में किसी भी समय किया जा सकता है। उमराह मुसलमानों को इमाम ताजा करने और खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका होता है। इस यात्रा में मुसलमान काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी तवाफ करते हैं, और जिसका तवाफ पूरा हो जाता है तो उसका उमराह मुकम्मल हो जाता है। साथ ही अल्लाह की इबादत की जाती है और कुरान पढ़ा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल के अंदर इतना डर लग रहा है कि अल्लाह के सबसे बड़े दरबार में जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ अमल ऐसा ना हो जाए जिससे हमारा जाना ना गवारा हो जाए, इसलिए हम दिल में डर लेते हुए अल्लाह की इबादत करते हुए जा रहे हैं। किस तरह के मतलब वहाँ जा पहुँच के दुआएं करेंगे आप? देखो, हम सबसे पहले हम हमारे देश के लिए करेंगे, हमारे भाइयों के लिए करेंगे, हमारे वतन के लिए करेंगे। तो भाई अल्लाह हमारे वतन को किसी की नज़र ना लगे, जैसे ही अपना अमान रहे, हम आपस में भाईचारा बना रहे हमारा। अच्छा, आम लोगों को क्या संदेश दोगे ऐसे आप जा रहे हैं, किस तरह का संदेश देंगे आप? भाई इस तरह का संदेश जो है देंगे हमें कि अपने देश के अंदर सभी मिलजुल कर रहे, स्वतंत्रता देश है अपना, भाईचारे का देश है और इसी से रहा है और इसी से अपन आगे बढ़ते रहे और भाईचारे से ही देश की उन्नति करी है। हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे और हमारा देश आगे तरक्की करता रहे। क्या नाम है आपका? शकील खान। टूर एंड ट्रेवल्स है और ये 7-8 साल पुराना टूर एंड ट्रेवल्स है। सबसे मोटे पर सबसे ज़्यादा जायरीन उमरा के भेजने वाला ट्रेवल्स है। अभी हमारे 90 जायरीन उमरा के लिए जा रहे हैं रमज़ान के अंदर। 1,15,000 में इनको ले जा रहे हैं और इनका पूरा 40 दिन का रहेगा। क्या मकसद क्या रहता है वहाँ? ये वहाँ पर जाकर इबादत करेंगे, रमज़ान के अंदर रोजे रखेंगे और हिंदुस्तान के लिए भी खुसूसी तौर से दुआ करेंगे यहाँ की तरक्की के लिए। क्या नाम लिखा? मेरा नाम है हाजी अनवर तेबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना है हमको कि हम उमरे पर जा रहे हैं। हमारे शकील भाई यहाँ से उमरे पर जा रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे साथी जा रहे हैं और दिल के अंदर ये तमन्ना लेकर जा रहे हैं कि अल्लाह की निगाह में हम जज जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको चुना है तो हम उस लायक ही बन के जाए और दुआओं के लिए ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर चैन, अमन, सुकून के लिए दुआएँ की जाएगी और ख़ास तौर से दुआ की जाएगी कि हमारे मुल्क खूब तरक्की करे, यहाँ के लोग तरक्की करें और आपस में आपसी भाईचारा बना रहे। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किस तरह के अरकान होते हैं? अच्छा मौका मिला है कि इस बार जो है 40 दिन के लिए जा रहे हैं। ये पूरा रमज़ान का महीना वहीं गुजारेंगे और ईद के बाद वहाँ से लौटेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी हमारे हाजी साहब जो जा रहे हैं शकील भाई टेलर साहब। मेरा नाम शमीम जीलानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।